हाथी जमीन पर पाए जाने वाले सबसे बड़े स्तनधारी। भारत में अपनी कम होती हुई रहने की जगह को वो लाखों लोगों के साथ बांटते हैं। जमीन की जरूरत को लेकर उनका इंसानों के साथ टकराव शुरू हो चुका है। खुद को बचाने के लिए क्या 21वीं सदी में भारत में हाथी बच पाएंगे? ओडिशा की राजधानी के बाहरी हिस्से में है अठगढ़। भारी तादाद में लोग इकट्ठा हैं। ये लोग आए हैं जंगली हाथियों को जंगल से बाहर आकर खेलते और नहाते हुए देखने के लिए। ऐसा हर रोज होता है, जैसे घड़ी काम करती है। और हर साल हाथियों के ज्यादा बच्चे दिखाई देते हैं, मानो इनकी तादाद बढ़ रही हो। भारत में हाथियों का बहुत सम्मान किया जाता है। उनकी ताकत, आकार और समझदारी के लिए उन्हें पसंद किया जाता है और पूजा की जाती है। लेकिन उनसे डर भी लगता है, क्योंकि जब रात होती है ये बड़े जानवर जंगल से बाहर निकलकर लोगों के खेतों और बागों में धावा बोल देते हैं। ये उनके रहने का आखिरी ठिकाना है। उनका जंगली खाना खत्म हो रहा है। जंगल के इस बचे हुए हिस्से के बाहर 5 आदमी इंतजार कर रहे हैं। ये लोग अठगढ़ एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन स्क्वाड से हैं। हाँ? कहाँ कहा तुमने? हाथी गांव के पास पहुंच गए हैं। आओ चले फिर, चलो जल्दी करो। हाथों में सिर्फ मोबाइल फोन्स, डंडे और फ्लैश लाइट्स लेकर ये किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। हाथी? हाँ वहां पर है। हाथी हाथी आजा, चलो चलकर देखते हैं। झुंड पास में ही है, लेकिन हाथियों को ढूंढ पाना आसान नहीं होगा। बड़े आकार के बावजूद हाथी चुपचाप अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। बाग में स्पॉटलाइट की रोशनी में एक हाथी आमों पर धावा बोल रहा है। बाकी झुंड पास ही मौजूद है। यहां चोरी छिपे आने वाले इंसान भी हैं, आमों के चोर। वो गिरे हुए फल उठा लेते हैं अगले दिन बाजार में बेचने के लिए। हाथियों के झुंड की मौजूदगी से अनजान ये खतरनाक हो सकता है। दल ने एक चोर को घुसने से रोका। जल्दी ही झुंड आगे बढ़ जाएगा और दल अगले फोन कॉल का इंतजार करेगा कार्यवाही करने के लिए। कॉर्बेट नेशनल पार्क हिमालय की तराई के इलाके में बसा हुआ ये उपजाऊ बना रहता है रामगंगा नदी से। एशियाई हाथियों का कुदरती ठिकाना। यहां उनके व्यवहार को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है, ये समझने के लिए कि वो इंसानी इलाकों में क्यों आते हैं। हाथी सामाजिक प्राणी हैं, जो मिलजुल कर झुंड में रहते हैं। वो जी जान से अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं। झुंड में सब पास पास ही रहते हैं। इनके साथ दूसरे शाकाहारी और मांसाहारी जानवर भी रहते हैं। हाथी गंध से बाघ का पता लगा लेते हैं। एक बड़ी हथनी के साथ सब सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं। इस बड़ी बिल्ली को आज दावत में हाथी का बच्चा नहीं मिलेगा। किसी तरह का कोई खतरा नहीं लिया गया।
इस झुंड में हाथी के कई छोटे बच्चे हैं, कुछ तो एक साल से भी कम उम्र के हैं। बड़ी उम्र की अनुभवी हथनियां उन्हें बचाकर नदी के पार ले गई हैं, राम गंगा के आगे के घने जंगलों में। एशियाई हाथियों का समुदाय हथनियों की देखरेख में चलता है। बड़ी उम्र की हथनियां लीडर होती हैं। परिवार में एक वयस्क हथनी या उसके साथ कुछ और हथनियां और उनके साथ रहने वाले बच्चे होते हैं। लंबे सफेद दांत सिर्फ नरों के होते हैं। कुछ बड़े होने के बाद यानी 8 से 13 साल के बीच हाथी झुंड छोड़ देते हैं। सिर्फ जवान होने पर ही वो झुंड में वापस आते हैं सहवासी की तलाश में। बड़े टस्क्स वाले अनुभवी लड़ाई में घायल हो चुके हाथी आमतौर पर अकेले ही रह जाते हैं। ये बच्चे बड़े हो जाने पर मां के दूध पर निर्भर नहीं रहेंगे, वो बड़ों की तरह पौधे खाएंगे। वो फल, जड़ें, टहनियां, पत्तियां और घास खाते हैं, वो सब जो मिट्टी में उगता है। बड़े हो जाने के बाद वो एक दिन में करीब 70 से 150 किलोग्राम तक खाना खा सकते हैं। हाथियों की इतनी ज्यादा खुराक उस इलाके की शक्ल बदल देती है जिसमें वो रहते हैं। इससे उनके खाने की पसंदीदा जगहों पर पेड़ खत्म हो जाते हैं, जंगल खुला खुला हो जाता है। कम पेड़ का मतलब है घास के ज्यादा मैदान, जो दूसरे जानवरों के लिए बेहद जरूरी है। हाथियों को जितना खाने की जरूरत है उतनी ही जरूरत होती है पानी की, पीने के लिए और कॉर्बेट की झुलसा देने वाली गर्मी से राहत पाने के लिए। झुंड के छोटे हाथियों के लिए ये किसी दावत जैसा ही होता है। हाथी समझदार जानवर होते हैं जो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। भोजन और पानी की तलाश में वो दूर दूर तक चले जाते हैं। कभी कभार किए जाने वाले ऐसे धावों में ज्यादा उम्र की हथनियां सबसे आगे रहती हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलते आ रहे अनुभव के भरोसे वो झुंड को रास्ता दिखाती हैं। लेकिन इन दिनों वो परेशानी में है। संरक्षित क्षेत्रों के बाहर जंगली खाना और ताजा पानी ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है। कॉर्बेट में गर्मी के मौसम के आखिरी दिन चल रहे हैं। झुंड एक नए मैदान में पहुंच चुका है। हाथियों को जिंदा रहने के लिए जितना खाना और पानी चाहिए होता है उसे जुटाने के लिए 300 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके की जरूरत पड़ती है। अकेले रहने के बावजूद टस्क्स वाले बड़े हाथियों को ज्यादा इलाके की जरूरत होती है। झुंड और उसमें मौजूद बच्चों को कॉर्बेट में कोई परेशानी नहीं होती, उन्हें घूमने फिरने के लिए काफी जगह मिलती है। 1300 स्क्वायर किलोमीटर के ऐसे जंगल और मैदान जहां कोई छेड़खानी नहीं की जाती और साथ में बहता हुआ ताजा पानी, ये बहुत खुशकिस्मत है। एशियाई हाथी कभी सीरिया से चाइना तक मिल जाया करते थे, लेकिन आज 50,000 से भी कम बचे हैं। उनमें से 60% भारत के 4 बड़े इलाकों में पाए जाते हैं। उत्तर में हिमालय की तलहटी में, उत्तर पूर्वी राज्यों में, पूर्वी मध्य भारत के जंगलों में और दक्षिणी भारत में पश्चिमी और पूर्वी घाटों के जंगली पहाड़ी इलाकों में। संरक्षित क्षेत्रों के बाहर बहुत से जंगल खत्म हो चुके हैं। कस्बों और शहरों,
फैक्ट्रियों, सड़कों और सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ाने के लिए उन्हें साफ कर दिया गया है। जो जंगल बचे हैं वो टापू की तरह हैं। एक इलाके से दूसरे इलाके तक जाने के लिए हाथियों को अब इंसानी बस्तियों से होकर गुजरना पड़ता है। यहां अठगढ़ में झुंड गर्मी से राहत पा रहा है। कई किलोमीटर तक इसके सिवा कहीं पानी नहीं है। भारत में जंगली हाथियों की 60% आबादी इसी तरह रहती है, संरक्षित क्षेत्र के बाहर खुद को बचाए रखकर। इस छोटे से टापू पर खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन बाहर निकलते ही खाना ही खाना। पकते हुए आमों के बाग में जहां आज रात ये हाथी धावा बोलेंगे जिंदा रहने के लिए। दल को गांव वालों से हाथियों के होने का पता चला है। जैसे जैसे रात गहराने लगी, गांव की जिंदगी थमने लगी। बागों में साइकिल के पुराने टायरों को जलाया जा रहा है हाथियों को आमों से दूर रखने के लिए। दल सावधानी बरतते हुए आने जाने वाली गाड़ियों को रास्ता बता रहे हैं। हाथी देखो देखो देखो, वहाँ है हाथी, हाथी हाथी, हाँ हाथी, उधर है उधर, दिखा वहीं पर, वो देखो, हाँ वो देखो। और तभी झुंड वहां पहुंच जाता है। बाग में पहुंचने के लिए हाथियों को सड़क पार करनी ही होगी। इंसानों और हाथियों को बचाने के लिए दल के लोग अपनी जिंदगी खतरे में डाल देते हैं। वो वहां रहकर लोगों को सावधान करते रहते हैं, लेकिन कई बार गांव वाले दल के जोखिम भरे कामों को पसंद नहीं करते। वो उन्हें अपनी मुश्किलों की वजह मानते हैं। झुंड कब क्या करेगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्या दल उन्हें बाग में घुसने से रोक पाएगा? जाओ चली जाओ, उस तरह से चली जाओ, तुम जाओ जाओ माँ। ए माँ, अरे जाओ ना, हाँ जाओ जाओ, उसी तरफ चली जाओ, अपने बच्चे को भी लेके जाओ। पूरे भारत की कहानी यही है। असम में चाय के बड़े बागानों में हाथी घुसाया करते हैं। यहाँ जंगलों को साफ कर दिया गया है और हाथियों के रहने की जगह बेहद कम हो गई है। खाने के एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने पर जाने के लिए हाथियों के पास और कोई रास्ता नहीं सिवा इसके कि वो बागानों से होकर जाएं। तो टकराव होना तो तय है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान होता है गांव वालों का, चावल उगाने वाले गरीब किसान का। सिर्फ आग और शोर के सहारे वो अपने खेतों से हाथियों को दूर रखने की पूरी कोशिश करते हैं। कभी कभी कोशिश बेकार हो जाती है और इनकी पूरे साल की मेहनत एक रात में बर्बाद हो जाती है। मेरे छोटे छोटे बच्चे, ये चावल अभी तक पका भी नहीं है, इससे जानवर ही खा जाएंगे तो हम क्या खाएंगे? वैसे ही पूरा नहीं पड़ता, दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है। हम गरीब आदिवासी हैं। जब हम उसका पीछा कर रहे थे तो एक आदमी मर गया वहाँ पे, रास्ते में ही मार दिया। वो हाथी जंगल से बाहर आया और फिर रास्ते में उस आदमी को मार दिया। अठगढ़ में नेशनल हाईवे पर भीड़ जमा है। ये हाथी इतने नजदीक हैं कि खतरा हो सकता है। उन्हें हाईवे के उस तरफ के जंगल में जाना है रात बिताने के लिए। भीड़ और शोर से घिरे होने की वजह से वो तनाव में है और उलझन में है। उस तरफ एक हाथी है, उस तरफ मत जाओ। दल को सड़क पर आने वालों को रोक कर रखना पड़ेगा।
सबके बचाव के लिए झुंड का जंगल में चले जाना ही ठीक है। दल ने आखिरकार झुंड के लिए एक सुरक्षित रास्ता बना ही दिया ताकि वो आराम से वहां से निकल जाएं। जाओ भगवान जाओ 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 प्रभु जाओ। आज रात किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन स्क्वाड हाथियों और लोगों के बीच एक दीवार बन गया। लेकिन इंसानों द्वारा की जा रही 2400 घंटे की निगरानी इंसानों और हाथियों के बीच बढ़ते जा रहे टकराव को रोकने का ज्यादा देर चलने वाला तरीका नहीं है। पश्चिमी घाटों में वालपराय में टकराव की एक और कहानी है। 150 साल पहले 200 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा प्राकृतिक जंगलों को साफ कर दिया गया चाय और कॉफी की खेती के लिए। जंगली जानवरों के लिए जंगल के छोटे छोटे हिस्से छोड़ दिए गए। इंसान और हाथी यहां इन्हीं मुश्किल हालातों में रहते हैं। कभी कभी लोग मारे भी जाते हैं। 1994 से 2019 तक हाथियों के हमलों में 45 लोग मारे जा चुके हैं। उनमें से अधिकतर को ये पता भी नहीं था कि वहां हाथी मौजूद हैं। 2 समझदार लोगों ने एक ऐसा तरीका निकाला जिससे यहां रहने वाले लोगों को पता चले कि हाथी कहां पर हैं। बहुत मुश्किल है लोगों और हाथियों को दूर दूर रखना। सही तरीका यह है कि हम पता लगाएं कि हम उनके साथ अच्छे से कैसे रह सकते हैं। अगर आप सिर्फ इस इलाके को देखें, इस जगह पर इंसानों का नियंत्रण है, यहाँ लोगों का हाथियों से सामना हो जाता है। सबसे ज्यादा इस बात पर ध्यान देना है कि किसी इंसान की जान ना जाए। इस इलाके को अच्छी तरह समझने के बाद, यानी हाथी इस जगह का इस्तेमाल कैसे करते हैं और लोग इस इलाके में कहाँ आते जाते हैं, हमने इस परेशानी से निपटने का तरीका ढूंढ लिया है। वालपराय के अधिकतर लोग चाय और कॉफी के बागानों में काम करते हैं। हाथियों से उनका सामना होने का खतरा लगातार बना ही रहता है। अगर कोई ऐसा तरीका हो जिससे उन्हें हाथियों की मौजूदगी का पता चल जाए तो बड़े हादसों को रोका जा सकता है। इसीलिए आनंद और गणेश ने टेक्स्ट मैसेज भेजकर चेतावनी देने का तरीका शुरू किया। देखिए, जहां तक हमें पता है वो ये है कि हादसे की वजह से लोग हाथियों के पैरों के नीचे कुचले जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि हाथी कहां पर है। अब जून में हाथी यहां दोबारा दिखाई देंगे। हमने ये देखा है कि जब हाथियों को भगाया जाता है या तंग किया जाता है, वो घरों को ज्यादा तोड़ते हैं, है ना? तो हम लोगों को सावधान करने के लिए SMS भेजते हैं, लोकल भाषा में और इंग्लिश में, ठीक है? जो लोग चाहते हैं ऐसे मैसेज पाने के लिए मंजूरी दे सकते हैं। दिन के समय हाथी के दिखने की सूचना टीम को मिली है। हेलो सर, झाड़ियों में एक हाथी है मोनिका स्टेट में। हाथी दिखने वाली जगह से 2 किलोमीटर के घेरे में टीम ने ध्यान दिया। वो हिस्सा जिसमें हाथियों के इधर उधर जाने की उम्मीद है। वहां रहने वाले जिन लोगों ने मंजूरी दी थी उन्हें वॉइस और टेक्स्ट मैसेज भेज दिए गए। लोगों को सूचित किया जाता है कि हाथियों का झुंड मोनिका ओसी और रबर के जंगल के इलाके में है, इसलिए लोगों से दरख्वास्त की जाती है कि वो वहां से सावधानी से गुजरें। शुक्रिया।
पहले औसतन एक साल में 3 इंसानों की मौत हो जाती थी, लेकिन अब एक भी नहीं होती और एक भी हाथी मारा नहीं जाता। लेकिन क्या चेतावनी देने का ये तकनीकी तरीका पूरे भारत में अपनाया जा सकता है? जरूरी नहीं कि ये सिस्टम दूसरी जगहों पर भी इतना ही अच्छा काम कर सके, क्योंकि हमें हाथियों को उनके इस्तेमाल की जगह को, उनके रहने की जगह को पूरे इलाके के हिसाब से समझने की ज़रूरत है, और कोई भी सिस्टम लोकल लेवल पर बनना चाहिए इन बातों को समझने के बाद। एशियाई हाथी बहुत ही बड़े इलाकों में घूमते हैं। इंसानों के नियंत्रण वाले इलाके में उनका जीवित रहना बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन उनका भविष्य उन लोगों के हाथ में है जो आखिरी बचे चंद जंगलों के पास रहते हैं और इस शानदार जानवर की जिंदगी और उसकी जरूरतों को समझते हैं।